नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण पवार आप लोगों के सामने फिर से अपने इस चैनल पे जिसका नाम है गढ़वाली भुला पे स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को उत्तराखंड के बारे में कुछ बताऊंगा, यहां का ओवरव्यू दूंगा, किस तरीके का यहां का लाइफस्टाइल है, क्या लोगों का सोर्स ऑफ इनकम है, यहां पे किस किस तरीके की कुत्तों की ब्रीड पाई जाती है, क्या फसल होती है, या फिर मौसम के बारे में बताएंगे थोड़ा। तो आज मैं आप लोगों को यहाँ के बारे में बताना चाहूँगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं उत्तराखंड, तो उत्तराखंड इसको देवभूमि भी बोला जाता है, यानी यहाँ पे देवताओं का वास होता है। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये जितनी भी धार्मिक स्थल हैं, ये चारों धार्मिक स्थल यहाँ पे आपको पाए जाए यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ लोग दर्शन करने आते हैं कई दूर दूर से। तो यहाँ के बारे में, मौसम के बारे में बताया जाए तो आप देख पा रहे होंगे कि चारों तरफ देखिए हरियाली ही हरियाली है। और इस समय क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है, वैसे तो यहाँ का जो मौसम है बड़ा ही अनप्रिडिक्टेड है। आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि आज बारिश है या कल धूप होगी या परसों क्या होगा, ये अनप्रिडिक्ट है। कभी भी धूप हो जाती है, कभी बारिश हो जाती है, कभी कोहरा हो जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे ऊपर देखिए ये पहाड़ हैं जो इन पे देखिए कोहरा धुंध लगी हुई है, और नीचे देखिए ये नदी है, नदी में देखिए पानी। तो अब बात की जाए यहाँ के मौसम की, तो 12 महीने यहाँ पे मौसम बड़ा अनप्रिडिक्टेड होता है, लेकिन कभी भी यहाँ पे गर्मी का एहसास नहीं होगा। आप चाहे सर्दियों में आइए चाहे गर्मी में आइए, गर्मियों में आपको कभी भी उमस वाली गर्मी यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि दिल्ली या गाज़ियाबाद में होती है। बड़ी उमस वाली गर्मी होती है, चिपचिपापन आता है। यहाँ पे कोई भी मौसम में आइए गर्मियों के, आपको वो चीज़ कभी फील नहीं होगी। दूसरी तरफ यहाँ चाहे सर्दियाँ हों चाहे गर्मियाँ हों, हमेशा या तो चद्दर में या फिर आपको रजाई में रहना पड़ता है। मौसम क्योंकि सुबह शाम यहाँ पे हमेशा ही ठंड रहती है। बात की जाए यहाँ पे, तो आप नीचे देख पा रहे होंगे कि जितने खेत हैं, यहाँ की जो महिलाएं होती हैं वो काफ़ी मेहनती होती हैं। उनका जो मुख्य तौर पे जो काम होता है वो खेती करना, खेती बाड़ी होता है। जैसे कि ये खेत देखिए, ये खेत, ये सारी पूरी खेती करना होता है। इधर खेती बाड़ी में ज़्यादा अपने आप को व्यस्त रखती हैं और काफ़ी मेहनती होती हैं। जैसे घर बार संभालना होता है, पशुओं को देखना होता है, खाना पीना बनाना होता है, खेती करनी होती है, इसके अलावा भी जैसे बाकी घर के जितने भी काम होते हैं उसमें महिलाएं अपने आप को व्यस्त रखती हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे बात की जाए तो पुरुष लोग ज़्यादातर यहाँ पे क्या करते हैं, तो जो पुरुष होते हैं वो उनका सोर्स ऑफ जो इनकम होता है वो या तो सड़क बनाते हैं, या आप देख पाएंगे कि घर बनाते हैं, जैसे घर बनाएंगे, या फिर जंगल से लकड़ियां काट के लेके आएंगे। जैसे कि ये यहाँ पे जो आज भी लोग चूल्हे के चूल्हा जो होता है उनका मुख्य तौर पे खाना बनाने का साधन होता है, क्योंकि जो गैस होता है, गैस भी उपलब्ध है यहाँ पे, लेकिन गैस को इतना यूज़ नहीं किया जाता है, स्टोव को। उसका कारण यह है कि जो भोजन जो चूल्हे में बनता है उसका स्वाद अलग होता है। रही बात यहाँ के मकानों की, आप देखिए मकान यहाँ पे मिट्टी और पत्थर की चिनाई से बनाए जाते हैं, देखिए इस तरीके से, क्योंकि ये जो मिट्टी और पत्थर की जो चिनाई होती है वो काफ़ी मजबूत होती है और लाइफ लॉन्ग होती है, यानी काफ़ी टाइम तक चलती है। जबकि अगर ईंट की बात की जाए तो आप देख रही है ये इधर ईंट से बनाया हुआ है, देखिए तो इस पर आपको साफ दरार दिख रही होगी, तो ये इतने कामयाब नहीं होते जितने कि मिट्टी और पत्थर के मकान होते हैं। देख पा रहे होंगे यहाँ पे लकड़ियाँ रखी हुई हैं, ये सारी जंगल से काट के लाई हुई लकड़ियाँ हैं। तो वो खाना पीना जो भी बनता है घर में चूल्हे में उसके लिए है। काफ़ी जो पुरुष होते हैं वो इस तरीके से, ये देखिए बाड़ा जो सामने पत्थरों का रखा हुआ है, चिनाई की हुई है, इस तरीके से चिनाई करते हैं। तो लोगों के घर में जाके चिनाई करना, या घर बनाना, या खेत बनाना, या फिर गाड़ियाँ चलाना, इससे ही उनका सोर्स ऑफ इनकम है यहाँ का। बात की जाए यहाँ पे धान की, तो आप ये क्या क्या उगता है और फसल किस टाइप, कौन कौन सी फसल होती है, आप देखिए यहाँ पे इस समय मौसम जो है ये है, ये अनाज है, ये नाज लगाया हुआ है, ये कुछ सर्दियों से पहले ये पक जाएगा तो इसको निकाल के फिर गेहूँ की फसल लगाई जाएगी।
दूसरी तरफ यहाँ पे जो खेतों में थोड़ा बहुत चीज़ें जो लगती हैं अपने रोज़मर्रा के खाने पीने के लिए, जैसे टमाटर लगा दिए गए हैं, मिर्च लगा दी गई हैं, या अरबी लगा दी गई हैं, या फिर ये कॉर्न है, कॉर्न लगा दिया गया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, या ककड़ी लगा दी है, या दालें हैं, वो सारी चीज़ें लगा दी जाती हैं। यहाँ के मौसम के हिसाब से देखा जाए तो इस समय जो ये देख पा रहे होंगे आप, ये माल्टा है, यहाँ का नेटिव फल है यहाँ का माल्टा, और जैसे कि मौसम में होती वैसा होता है, लेकिन बड़ा रसीला होता है, बड़ा मीठा होता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। रही बात यहाँ के, यहाँ पे जो मुख्य तौर से जो यहाँ के कुत्ते, देखिए आप यहाँ पे जो कुत्ते पाए जाते हैं, मुख्य ब्रीड जो है यहाँ की, वो एक तो जेनरिक है, आप देख पा रहे होंगे ये जेनरिक ब्रीड है, ये वाली ब्रीड, ये काफ़ी एक्टिव ब्रीड है, यानी आप देखेंगे ये काफ़ी एक्टिव होते हैं ये, यानी ये जो बंदर भगाने के और इस टाइप के काम ये ज़्यादा करते हैं। और दूसरी है ये वाली ब्रीड, आप ये वाली ब्रीड देख पा रहे होंगे, आपको नज़दीक से दिखाते हैं, ये जो ब्रीड है ये वाली, ये ब्रीड, ये माउंटेन ब्रीड कहते हैं इसे, और ये वाली ब्रीड जो है, जैसे कि आपने देखा होगा शीप या गोट या जो ये बकरियां पालते हैं, उनके पास ये वाली ब्रीड ज़्यादा मिलेंगी, क्योंकि ये देखने में काफ़ी डरावने होते हैं, ये वाली ब्रीड काफ़ी डरावनी होती है और काफ़ी बड़े भी होते हैं। ये तो अभी छोटा है, इनकी हाइट लगभग देखी जाए तो दो से चार फुट के बीच में इनकी हाइट जाती है। रही बात यहाँ की महिलाएं, तो जैसे मैंने बताया कि काफ़ी मेहनत मजदूरी करती हैं और काफ़ी मेहनती होती हैं, तो आप देख पा रहे होंगे, देखिए सिलाई भी करती हैं यहाँ पे महिलाएं अपना घर बार चलाने के लिए, बाकी चूल्हा इस तरीके से होता है, देखिए आप देख पा रहे होंगे चूल्हा चौका ये करना, ये इनका काम होता है। इसके अलावा जैसे घास काटना ये महिलाएं करती हैं, अपने पशुओं के लिए घास लेके आना, और इस समय मौसम बारिश का है तो मैं भी बारिश में आनंद ले रहा हूँ, आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए बाड़ा, ये देखिए हथियार रखे हुए हैं, ये सब मेहनत मजदूरी के लिए हैं जो यहाँ के पुरुष लोग करते हैं। बाकी बात रही यहाँ पे जो पानी है या बिजली है, तो देखिए बिजली के जो सोर्स हैं आप देख पा रहे होंगे कि ये सोलर पैनल, आपको दिखाते हैं नीचे सोलर पैनल लगे हुए हैं, हम दिखाएंगे, बाकी तारें भी हैं बिजली की जो कि आपको घर पे सप्लाई होती है, लेकिन जो अंधेरी गलियों के लिए इस टाइप के लिए ये ग्राम पंचायतों की तरफ से या ग्राम सभाओं की तरफ से जो सुविधाएं हैं उन्होंने दी हुई हैं कि ये सोलर पैनल लगाए हुए हैं, जगह जगह पे सोलर पैनल हैं, आप देख पा रहे हैं नीचे एक सोलर पैनल दिख रहा है छोटा सा, इस रोड पे के कोने पे भी आप देख पा रहे होंगे एक सोलर पैनल लगा हुआ है, तो ये अंधेरी गलियों के लिए सोलर पैनल का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे रात में, ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना हो आने जाने में। बाकी बात की जाए यहाँ पानी के सोर्स की, तो देखिए पानी यहाँ पे नेचुरल वाटर होता है, ये स्ट्रीम वाटर है, ये खेतों में जा रहा है पानी, यहाँ लोग पानी स्टोर नहीं करते हैं, ये देखिए नहर पर जो पानी जा रहा है ये खेतों के लिए जा रहा है, और जो ये पानी ऊपर ये आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ये नेचुरल स्प्रिंग वाटर इसे कहते हैं, ये 12 महीने यहाँ पे आता है, इसको ही खाने पीने में इस्तेमाल किया जाता है। टैंक बनाया हुआ है, लेकिन टैंक का खाली ऑब्जेक्टिव ये है कि पानी को सुरक्षित रखा जाए, कि इसमें कोई कीड़ा या कोई मतलब मक्खी या कुछ जीव जंतु इसमें गिरे ना, और पानी एकदम स्वच्छ रहे, तो नेचुरल वाटर है। दूसरी तरफ बात की जाए यहाँ पे जंगली जानवर, तो जंगली जानवर यहाँ पे काफ़ी पाए जाते हैं, आपको शाम के टाइम पे लोगों को जंगली जानवरों को यहाँ पे अक्सर अवगत होना पड़ता है, तो जैसे कि शेर हो गया है, भालू हो गया है, चीता हो गया है, ये और जो जंगली सुअर हैं वो भी यहाँ पे मुख्य तौर पे पाए जाते हैं। और दूसरी चीज़ है तो यहाँ पे जो पॉर्क्यूपाइन है, यहाँ की नेटिव लैंग्वेज में उसको सोला बोलते हैं, जो पॉर्क्यूपाइन है वो भी यहाँ पे आके फसलों को ज़्यादातर बर्बाद कर देते हैं या नुकसान पहुँचाते हैं फसलों को। तो आप मौसम देख पा रहे होंगे, काफ़ी बढ़िया मौसम है,
यही आज तक के लिए इतना ही। फिर से अपनी नई वीडियो के साथ मैं मिलूँगा आपको, तब तक के लिए धन्यवाद।